अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ लिया है मैंने अबाउट 1 kg, जिसमें बोन्स भी है और फैट भी है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं ये कचरी पाउडर है ये लगाऊंगी, तकरीबन 5 घंटे रखना है इसके साथ। देखें, मैंने साबित कचरी ली है, साबित कचरी कुछ इस तरह दिखती है। इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में मैंने इस तरह के कॉफ़ी ग्राइंडर में मैंने इसको ग्राइंड कर दिया, शक्ल में आ गई। अब 1 kg में मैं तकरीबन ये 3 tablespoons लगाऊंगी और फिर इसको मैं 5 घंटे के लिए रख दूंगी। ये मैंने 3 tablespoons कच्चे पाउडर डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करके 4 घंटे मैं इसके साथ रखूंगी। आफ्टर 4 hours मैं इसमें बाकी बिरयानी के मसाले ऐड करूँगी। सारे मसाले ऐड करके आलू को फ्राई करके इसमें ऐड करके इसको पतीले में डाल दूंगी, थोड़ा सा घी शामिल करके। जब मैं मसाले ऐड करूंगी तभी घी शामिल किया जाएगा। उसके बाद इसकी तह नीचे लगाई जाएगी, इस पर टमाटर की तह लगाई जाएगी और उसके ऊपर बॉइल्ड राइस एंड देन बकिया घी को गर्म करके उसका भगा देंगे। इसका पूरा प्रोसीजर इस तरह होगा, लेकिन ये सब कुछ 5 घंटों बाद होगा। मीनवाइल मैं आपको एक कचरी बता देती हूँ, इस तरह की साबित भी आती है, पीसी हुई भी आती है। मैं एक आपको खोल के दिखा देती हूँ, लाइक छोटे साइज़ के खरबूजे जिस तरह होते हैं वो ये होता है, ये इसके सीड है। इससे बड़ा अच्छा गोश गल जाता है। आप पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पर कचरी से बड़ा अच्छा गोश में क्रीमी सा टेक्स्चर हो जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही गोश्त के लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, इवन गला हुआ जो नॉर्मल पपीता हम घर में खाते हैं फ्रूट की सूरत में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसे तकरीबन 4 घंटे के लिए रखते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। गोश्त को हमने कच्ची पाउडर लगाया था, उसको तकरीबन 4 घंटे हो चुके। अब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 cup दही, इसको फेंट लूँगी। इसके बाद ये साबित गरम मसाला है जिसमें आप देख रहे हैं तेज़पात के पत्ते, 2 काली इलायची है, 4 टुकड़े दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है 1.5 tablespoons, 2-4 ये लौंग है, 8-10 काली मिर्चें और ये स्टार अनीज़ है, यानी ये जो आते हैं बादामिया के फूल, ये 2 अदद हैं लेकिन मेरे पास इस वक्त ये पीसेज में। ये खुश्क आलू बुखारा है, ये मैं 6 अदद लूँगी। ये जायफल, जावित्री और हरी इलायची, इन 3 चीज़ों को मुझे पीसना है। हरी इलायची मैंने 4 अदद लिए, ये जायफल है, ये जावित्री है। ये जायफल इस तरह दिखती है, इसको तोड़ के ये इसका शेल है रिमूव कर देंगे और अंदर से ये जो ये इसका सीड है ये हम यूज़ करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1/2 से थोड़ा कम लिया है, ज़्यादा मत लीजिएगा, ये कड़वा हो जाता है। ये देखिए 1/2 से कम लिया है और ये इसकी के शेल के गिर्द जो छिलका होता है वो ये जावित्री होती है। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। इलायची, ये तीनों चीज़ें हम इसका पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर आधा हम इन्हीं मसालों के साथ ऐड करके गोश्त पे लगा लेंगे और आधा हम जब चावल दम पे डालेंगे तो ये उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने ले लिया आलू 700 ग्राम, फ्राइड अनियन है 3 tablespoons भर के, मिर्चों में है तेज लाल मिर्च 1 teaspoon, नॉर्मल जो लाल मिर्च आती है 1.5 tablespoons, ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, इसमें ये जर्दे का रंग भी जाएगा 1/2 teaspoon, नमक और ये जो चाट मसाला है ये किस तरह जाएगा मैं बाद में बताऊंगी। ये हमें लेना है मसाले, लहसुन है 4 जवे, 4-5 जवे, 10 हरी मिर्ची लिए और ये अदरक का इतना टुकड़ा ले लें। इन तीनों को पीस के अच्छी तरह ये गोश्त पे जाएगा, जबकि टमाटर और हरा धनिया ये दम पे जाएगा। आइए इसका तरीक़ेकार देखते हैं। और एक और इसमें एक चीज़ है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च ये जाएगी 1 tablespoon और इसके साथ नींबू का रस 2 tablespoon। ये सब मैं गोश्त में शामिल करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और मैंने सेला चावल 5 कप भिगो के रख दिए, उसको भी तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोना है। आइए इसका प्रोसीजर देखते हैं कि फर्दर क्या करेंगे। मैंने इसमें तेज़ लाल मिर्च, आम लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबित गरम मसाला जिसमें तेज़पात, ज़ीरा, लौंग, काली इलायची,
काली मिर्चें वगैरह शामिल थी और स्टार एनीस और फ्राइड अनियन इसमें शामिल कर दिए, लेमन जूस शामिल कर दिया। अब थोड़ा सा मैं जर्दे का रंग शामिल करूँगी, ना काफ़ी है। अब मैं इसमें दही और ये वाला मसाला पीस के ये भी शामिल करूँगी, और ये हमारे आलू बुखारा रहते हैं ये फ्रोज़न है मेरे, इसको मैं 6 अदद इसमें से शामिल करूँगी। दही को अच्छी तरह फेंट के इसमें शामिल कर दूँगी। 1 कप दही है 1 kg मीट के लिए। और अब इसमें लहसुन और अदरक जो पीस लिया है वो शामिल करेंगे, हरी मिर्च लहसुन और अदरक पिसा हुआ वो शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया 1.5 टीस्पून, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये मसाला जो मैंने आपको बताया था, जायफल जावित्री और हरी इलायची, ये पिस चुका है तकरीबन, ये 1 टीस्पून है, हम 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें और 1/2 हम दम पे यूज़ करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप चाहें तो बिरयानी एसेंस आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या केवड़ा वाटर आता है वो भी दम में आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसका अरोमा ज़्यादा फैसिनेट करता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके फर्दर में 1 घंटे के लिए रख दूँगी। हमने 1 कप घी को गर्म किया, इसमें आलू को फ्राई करेंगे हम 1/2 डन करेंगे। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसे हम 1/2 डन करेंगे। बाकी ये मीट के साथ पकेंगे। आलू हमारे फ्राई हो चुके थे, तेल हमने रिमूव कर दिया और ये गोश्त हमने आलू के साथ इसमें शामिल कर दिया। यहाँ ये बात याद रहे कि अगर आपके गोश्त में फैट नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मैंने यहाँ किसी भी तरह का घी इस्तेमाल नहीं किया। जो आलू का घी था वो मैंने रिमूव कर दिया, वो बाद में डालेंगे क्योंकि यहाँ गोश्त में काफ़ी फैट मौजूद था। इसको हल्की सी हीट देंगे, ठीक है, गोश्त को नीचे लगा देंगे, आलू को ऊपर कर देंगे। इसमें कोई घी तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो आलू का घी था वो निकाल चुकी हूँ मैं, वो एंड में ऐड करूँगी। आलू को ऊपर की तरफ रख देंगे और गोश्त को नीचे की तरफ, ठीक है, इसको हल्की सी हीट देंगे इस तरह, ठीक है। और इस पर हम डालेंगे अपने ये मसाला जार, टमाटर, हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें, और थोड़ा सा इसमें डलेगा चाट मसाला अबाउट 1 टीस्पून। आप चाहें तो फ्राइड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ढले पे, ये 1 टीस्पून चाट मसाला गया। अब इसे हम 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, उसके बाद इसमें राइस ऐड करेंगे और ऊपर से जो हमने घी रिमूव किया था आलू फ्राई करने के बाद वही घी ऐड कर देंगे, और दूध का भी इस्तेमाल करेंगे वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जब तक 10 मिनट तक हमारी जो मीट है उसको हीट मिल रही है और हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल को हम 90% तक गला लेंगे, सिर्फ 10% की कसर छोड़ेंगे। या 1/2 कप मैं दूध लूँगी और ये वही 1/2 टीस्पून मसाला है जायफल जावित्री और सब्ज़ इलायची, इसका रेशो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें 1/4 कप यानी 1/2 दूध ऐड करके इसको मिक्स करके रख दूँगी, और बाकी 1/2 दूध में जर्दे का रंग ऐड करें। ये तकरीबन 10 मिनट तक हमने गोश्त को हीट दे दिए, इसको पकाना नहीं है, हीट सिर्फ इसलिए दिए ताकि दम का टाइम रिड्यूस हो जाए। अब इसमें हम ये बॉइल राइस ऐड कर दिए, और अब हम इसमें ये जायफल जावित्री और इलायची वाला दूध ऐड करेंगे, और इसके बाद
जर्दे वाला दूध ऐड करेंगे। इसके बाद जो तेल हमने निकाला था आलू फ्राई करने के बाद, वो तेल ऐड कर देंगे जो 1 कप था। आप चाहें तो इसे ढककर इसको साइडों पे आटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 45 to 50 मिनट्स इसको दम देना है, क्योंकि गोश्त जो बीफ हमने शामिल किया वो बिल्कुल कच्चा है, उसको टाइम लगेगा। आप चाहें तो फॉइल भी लगाकर दम दे सकते हैं, मैं फॉइल लगाऊंगी। अब मैं इसे कुछ इस तरह फॉइल लगाऊंगी, डबल लेयर जाएगी हमारी फॉइल से, ठीक है। फॉइल की चौड़ाई थोड़ी कम है तो ये डबल लेयर जाएगी। इस तरह करके आप इसको साइडों से अच्छी तरह फोल्ड करके इसको हम कवर कर देंगे। शुरू के 5 मिनट हम तेज़ आंच पे, बाकी 40 मिनट्स बिल्कुल हल्की आंच पे इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। फॉइल लगाने के बाद आप इस पर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा। इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आफ्टर 45 मिनट्स। ये तकरीबन हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है, ये देखिए आराम से नाइफ अंदर जा रही है, गोश्त गल चुका है हमारा। आलू चेक करेंगे, आलू भी गल चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये मैंने डिश आउट कर दिए, काफ़ी गर्म है, स्टीम निकल रही है। ये देखिए नीचे ये बिल्कुल नहीं लगा है, बिल्कुल साफ़ है, यानी कि सबसे नीचे वाली तह मैंने सालन की दी थी, उसके बावजूद ये नीचे बिल्कुल नहीं लगा है। हमारा फाइनल लुक है, देखिए दाना दाना खिला हुआ है, गोश्त भी गल चुका है और आलू भी अच्छी तरह गल चुका है।